Assalamu alaikum students, how are you? I welcome to all of you in another video lecture of Gauhar Science Book 4. Students, according to scheme of study of Gauhar Science Book 4, this video lecture will help you to understand the lectures and topics and tasks of week 1. This is the third video lecture of the week. सो स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस दो लेक्चर्स थे उसमें हमने प्लांट्स के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया, उन पार्ट्स के फंक्शंस को डिस्कस किया, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट सिचुएशन में जो प्लांट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी मूवमेंट किस तरह की होती है. तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इसमें हम प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे. क्लासीफाई क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों करना होती है. हम देखिए, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं उनके कुछ खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी खसूसियात दूसरे प्लांट से मुख्तलिफ होती हैं. तो हमें अगर हम उनकी ग्रुपिंग कर दें तो हमें उनको स्टडी करना, उनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है. और प्लांट्स को जब क्लासीफाई किया जाता है, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसके टू मेजर ग्रुप्स बनते हैं. वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. यानी ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो है कि फूल जिनके बनते हैं, जो अपने फूल प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फूल नहीं होते. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक रोज प्लांट है जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है. इसके फूल होते हैं बड़े कलरफुल, बड़े खूबसूरत, और उनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है. और इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है पाइन ट्री की, जो कि एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिसके फूल नहीं होते. एंड फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, वी विल डू रीडिंग. सो फॉर रीडिंग, ओपन द पेज नंबर 9. हरी अप. And in today's lecture, we will read some matter from page number 9 and 10. And for now, hurry up, open the page number 9 of Gauhar Science Book 4. So let's start. Heading is Plant Classification. We can classify plants as a flowering and non-flowering plants. Number 1, flowering plants. Flowering plants produce flowers, fruits and seeds. There is a great variety of flowering plants. A flower's petals are often brightly colored. These colors attract insects towards the plant. Rose, jasmine are the examples of flowering plants. Next, students, open page number 10. Non-flowering plants. Non-flowering plants do not produce flowers. These plants are divided into two main groups. Some non-flowering plants produce seeds like conifers, pine trees and fir trees, etc. Some non-flowering plants produce dust-like spores. Mosses and ferns are spores producing plants. Both mosses and ferns grow in moist, shady places. Okay, students. तो यहां हमने रीड किया कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, और उनके जो हमने दो मेजर ग्रुप्स का डिस्कस किया, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. देन हमने डिस्कस किया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं, लाइक वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर फ्लावर से फ्रूट भी बनता है, उसमें फ्रूट के अंदर जो है वो सीड होते हैं. देन हमने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं वो उमूमन ब्राइट कलर होता है उनका, और इसके उनकी फ्रेग्रेंस भी होती है. और ब्राइट कलर और फ्रेग्रेंस का क्या मकसद होता है, ताकि जो इंसेक्ट हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सके. जो इंसेक्ट्स है ना स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करने में, उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको मूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट्स जो है वो सही से पैदा होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर इज ए फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं. रिफ्लेसिया स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है
जिसका जो फ्लावर है वो दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर होता है, और इसका जो फ्लावर है उसका साइज स्टूडेंट्स 3 फीट तक हो जाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो रिफ्लेसिया जो प्लांट है उसका फ्लावर होता है। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके भी स्टूडेंट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, और इनमें भी स्टूडेंट्स दो तरह के टाइप्स होते हैं। इनके दो तरह के टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर तो नहीं प्रोड्यूस करते बट सीड वो जरूर बनाते हैं। एंड देन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं अगर स्टूडेंट्स हम इनको टच करें स्पोर्स को, तो ये जैसे मट्टी होती है लाइक डस्ट होती है, वैसे इनका जो है वो इनका जो टेक्सचर होता है ये मट्टी की तरह होता है, भुरभुरे से होते हैं। तो इन स्पोर्स की मदद से ये न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर है इसके हवाले से जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है आज की, स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को, और आपने देखना है कि इनमें सिमिलैरिटीज कौन कौन सी होती है और डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स जो बुक में आज हमने रीडिंग की आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, और आपने स्टूडेंट्स क्या करना है एक वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करना है कैसे कि आप वेन डायग्राम में आप क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे और उन सर्कल को आप स्टूडेंट्स इस तरह इंटरलिंक करेंगे। तो जो उनके एक साइड पे आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखेंगे, दूसरी साइड पर स्टूडेंट्स आप फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखेंगे, और फिर आपने क्या करना है उनके जो डिफरेंसेस हैं वो आपने इस स्पेस में लिखने हैं, और जहां स्टूडेंट्स हमने इन दोनों सर्कल्स को मिलाया हुआ है और उससे जो एरिया हमारे सामने आया है उसमें हम इन दोनों के कॉमन जो फीचर्स हैं वो वहां हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे एक असाइनमेंट भी है, और ये अगर आप बुक पे देखें तो पेज नंबर 10 की एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3। तो ये स्टूडेंट्स वेन डायग्राम जो है ये आपने कॉपी पे बनानी है, और टीचर्स की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने जो आपको डेट दी जाएगी तब तक आपने इसको असाइनमेंट को कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।